अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ बहुत ही आसान और झटपट बनने वाले गाजर के हलवे की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद है कि इस तरीके से बनाए जाने पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप घर पर बिल्कुल बाज़ार से ज़्यादा मज़ेदार हलवा आसानी से बना सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए गाजरें। मैंने 5 किलो ली हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपने सिर्फ इनको छीलना है और इनके अंदर से वो येलो पार्ट जो सख्त होता है और गलता नहीं, इसको निकाल देना है। गाजर के इस तरह बड़े बड़े पीस कर लें छील कर। और अब अंदर से येलो पार्ट निकालने के बाद गाजरें 4 किलो रह गई हैं तकरीबन। दूसरी तरफ आपने पहले से ही 4 किलो दूध खुले मुंह वाली देगची में डालकर चूल्हे पर चढ़ा देना है, जो पक पक कर काफ़ी गाढ़ा हो जाए। इतनी देर में आपने गाजरें छीलकर तैयार कर लेनी है और फिर इन गाजरों को धोकर आप दूध में शामिल कर लीजिए। दरमियानी आग पर ढक्कन देकर इनको पकने दीजिए। बीच बीच में चम्मच हिलाते रहें, ये ना हो कि दूध उबल कर गिर जाए। अब आपने देखना है किसी छुरी की या चम्मच की मदद से कि आपकी गाजरें आधी गल चुकी हों। मैशर से इनको मैश करना शुरू कर दें। याद रखें कि पूरी तरह से गाजरें नहीं गलानी, नहीं तो ये बिल्कुल मलीदा बन जाएंगी। इस तरह मैश करके आपने तमाम गाजरों को मोटा मोटा छोड़ देना है। यहाँ पर आपने पिसी हुई इलायची पाउडर 2-3 चम्मच भर कर डाल दीजिए तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। इसके बाद जो दूध का बाकी पानी बचा है, तेज़ आंच पर चम्मच के साथ मुसलसल इन गाजरों को हिलाकर खुश करना है। पानी जब कम रह जाए तो आप चीनी डाल दीजिए अपने टेस्ट के मुताबिक। कोई मीठा कम पसंद करता है, कोई ज़्यादा, तो इस वजह से आप अपने हिसाब से मीठा डालिए। अब चीनी भी अपना पानी छोड़ देगी, आपने आंच कम नहीं करनी। तेज़ आंच पर अब मुसलसल इसको चलाना है। अब इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो दूध की भलाई या बर्फ़ी ऐड कर सकते हैं। हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा था और ज़्यादा मिकदार में दूध खुद ही खोए की तरह हो चुका है। अगर आप भलाई ऐड करेंगे तो इससे आपके हलवे का टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। अब यहाँ पर आपने पानी बिल्कुल खुश कर देना है, हलवे को भून लेना है यहाँ तक कि वो घी छोड़ दे और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो मज़ेदार ढेर सारा बग़ैर कद्दूकश की मेहनत किए हुए हलवा आपका तैयार है। और यकीन करें, जिस तरह कद्दूकश करके मेहनत से आप हलवा बनाते हैं, इससे बढ़कर इस हलवे का टेस्ट होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा और इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए जिनकी जान जाती है गाजर कद्दूकश करने से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।